नमस्कार दोस्तों, उदय के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से रानीपुर हरिद्वार उत्तराखंड मानव संसाधन विभाग की तरफ से एक नई भर्ती निकल के आ रही है, वो भी अप्रेंटिसशिप के तहत। दोस्तों, 2023-24 वर्ष हेतु अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना जारी की गई है। BHEL हरिद्वार निम्नलिखित में से ट्रेड्स में से ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी से ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वे अभ्यर्थी जो ITI करने के पश्चात पहली अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिनके पास 1 वर्ष से अधिक नौकरी का अनुभव है, किसी पाठ्यक्रम हेतु नियमित कोर्स कर रहे हैं, आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। रिक्तियों के विवरण तथा अन्य अर्हताएं निम्नानुसार। दोस्तों, यहाँ जो निकाली गई है न्यूनतम योग्यता देख लीजिए। हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2021-22-23 में ITI नियमित अभ्यर्थी के रूप में सामान्य EWCS अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 65% अंकों के साथ तथा जाति अनुजाति के श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। दोस्तों, वेल्डर इलेक्ट्रिशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मेके ट्रेड में NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में से 2021-22-23 में ITI नियमित अभ्यर्थी के रूप में सामान्य EWCS अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 35% अंक के साथ हेतु जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 60% के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, फिटर में 59, फिर टर्नर में 17, मशीनिस्ट में 40, वेल्डर में 19, इलेक्ट्रिशियन में 23, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 2, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैकेनिकल 1, कारपेंटर में 3, फाउंड्री मैन में 6, टोटल 170 रिक्तीय पद है। दोस्तों, आयु सीमा यहाँ देख सकते हैं 1/6/2023 के अनुसार सभी वर्ग के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 18 साल दी गई है और अधिकतम 27 वर्ग है। दोस्तों, वृत्ति का स्टाइपेंड जो दी जाएगी वो एप्रेंटिसशिप मासिक वृत्ति का, फिर स्वास्थ्य आवेदक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चयन अभ्यर्थी के प्रशिक्षण के पूर्व प्रारूप चिकित्साधारी प्रमाणित मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा आपको। दोस्तों, आगे देख लेते हैं। यहाँ आरक्षण अनुजनजाति में जो आरक्षण है के लिए आरक्षण नियमों से दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC के लिए 1/4 OBC जाति प्रमाण पत्र OBC सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही होना अनिवार्य है, जिसका प्रारूप हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, अन्यथा वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा, अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसी ट्रेड में किसी अभ्यर्थी को संख्या रिक्ति और संख्या से कम बराबर होती है तो सभी अभ्यर्थी का सीधे तौर पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, आवेदन के लिए या apprenticeshipindia.gov.in पर आपको पंजीकरण करना होगा पहले, उसके बाद आप यहां देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज में जाकर निर्धारित बिंदुओं को भरते हुए वेल हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हिप एंड CFFP संस्थान सर्च के अपने ट्रेंड उपलब्ध को सीटों हेतु अप्लाई करें। दोस्तों, महत्वपूर्ण निर्देश, एमसी पोर्टल पर पंजीकरण द्वारा निर्धारित दस्तावेजों का भरते हुए आवश्यकता ट्रेड अपलोड करना अनिवार्य है, साथ ही पंजीकरण स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आधा वेरिफिकेशन सही से आपको करना होगा। फिर दोस्तों, चरण 2, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं एमसी पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थियों को BHEL हरिद्वार कैरियर वेबसाइट में रिक्रूटमेंट अंतर्गत क्या अप्लाई भरना होगा अनिवार्य है। फिर दोस्तों, यह आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाएगा, सामान्य निर्देश ट्रेड अवश्य प्रशिक्षण पत्र 2023 हेतु आवेदन पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप में स्वयं दोस्तों BHEL हरिद्वार के कर्मचारियों को कार्यरत सेवानिवृत्त मित्र अतिरिक्त आश्रितों के लिए पावती पत्र एक्नॉलेजमेंट स्लिप एवं सामान्य निर्देश उपलब्ध उल्लेखित दस्तावेजों के साथ फॉर्म फॉर एम्प्लॉय वार्ड भी जमा करना होगा जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोस्तों, आगे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हाई स्कूल प्रमाण पत्र, ITI कंसलेट आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उत्तराखंड के निवासी के लिए मूल निवास पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि दिनांक 21/6 तक लास्ट है, ये लास्ट डेट दिया गया है। दोस्तों, फिर आगे चल के देख लेते हैं केवल BHEL हरिद्वार
पूर्णतया भरा हुआ फॉर्म फॉर एम्प्लॉय वार्ड केवल BHL हरिद्वार के कर्मचारियों का कार्य सेवानिवृत्त मिति के आश्रित के लिए लागू है। दोस्तों नियमित अपडेट के लिए यहाँ वेबसाइट आप विजिट करते रहें। महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट है 29/5/2023 से, आखिरी डेट जो दी गई है दोस्तों वो है 12/6/2023 तक, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर पावती पत्र मंगाना, आवश्यक दस्तावेजों को छात्रपति जमा करने की अंतिम तिथि है 21/6/2023 तक। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।